शराब का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। छोड़ूंगा नहीं। रुक, कहाँ जाएगा? पता नहीं पिताजी ने कहीं देख तो नहीं लिया। डोंट वरी माई गर्ल, अगर तुम्हारे पापा ने ना बोला तो भी मैं तुझे लेके ही जाऊंगा। मैं कैसे जी पाऊंगा? कैसे भी इससे भी निपट लिया मैंने। क्या कल तुम फ्री हो?
मेरे बारे में भी बोला क्या? मेरी नहीं, हमारी बात बोलो ना। वही वही। चलो चलें, बारिश होने वाली है। हाँ ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं। चल ठीक है भाई, चलो बाय, मिलता हूँ। मेरा ग्लास दे के जाना। अरे यार तू और तेरा कूलिंग ग्लास रख ले। हाय मॉम, थोड़ा जल्दी तो कर लो, वहाँ पे सीरियल शुरू होने का टाइम हो गया है। तू तेरे काम को देखो, ठीक है? क्या कहने वाले मुझे? ओ मेरी माँ, तुझको करंट बिल भरने को कितने दिन से बोल रहा हूँ। पापा मैं इंस्टीट्यूट में बिजी था। बिजी? दो कंप्यूटर और चार लड़कियां हैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट में। हाँ हाँ मुझे पता है। तेरे उम्र में मैं अपना परिवार पूरा चलाता था, पता है तुझे? अरे छोड़ देना, कल उसे भर देगा। ऐसा मत कहना माँ, तू ही उसे बिगड़ रही है। अरे क्यों उसे दोषी ठहरा रहे हैं? सब कुछ देकर उसे बिगाड़ने से पहले सोचनी चाहिए ये सब। ये हुई ना बात। अरे बादी माँ, ये बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स पैदा होते ही ये लोग सक्सेसफुल नहीं थे? आप देख लो दादी माँ, मैं भी बनूंगा एक बिल गेट्स। बिल गेट्स तो छोड़, तू एक छोटा सा गेट भी नहीं बना सकता। बड़ा है बिल गेट्स। ना जाने क्या क्या कहने लगे। कैसे हो आप इनके साथ? अरे ऐसे मत कहो। कैसे जीते हो आप इसके साथ? कहाँ, फ्लैट में? हाँ अच्छा। वो क्यों? कल 10 बजे। हाँ हाँ मेरी जान। हाँ तो फिर एंजॉय करेंगे। अरे थोड़ा रुक यार, मुझे एक बात बता। हाँ, अगर एडवाइस है तो मुझे नहीं चाहिए। हाँ वो मेरा बड़ा भाई है। एक सीरियस मैटर है। क्या है यार? हाँ तो फिर बता भाई। मेरे ऑफिस में एक बहुत सुंदर लड़की आई हुई है। अच्छा? हाँ। एक नई लड़की आए तो आपको क्या हुआ भैया? मुझे वो बहुत पसंद है। तू ना कैसे भी मम्मी पापा को मना ले। वो लड़की आपको पसंद करती क्या? उसे भी मैं बहुत पसंद हूँ। अच्छा तुम तो बड़े फास्ट हो, वेरी नॉटी। कैसे किया आपने? क्या क्या एडवाइस दिया था? लव एक वेस्ट ऑफ टाइम है, करियर पे ध्यान देना चाहिए। अब क्या हुआ बताओ। हाँ बोल बोल, स्टोरी तो बोल। कौन सी कहानी? अरे यार क्या, कहाँ मिले थे उसे, कैसे पटाया उसको, बोल ना भाई। या फिर उसने आपको पटाया? चल जा यार। अभी बोर मत करो यार, बात तो बताओ। 80% सर। ओ दैट्स राइट, या कम इन। वरुण दिस इज निधि। हाय। हाय निधि। हाँ। इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज वरुण है। हाँ। ही विल हेल्प यू। ओके सर। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Oh, 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 oh
फिर कैसे किया? कॉफी, रोज, सेंटिमेंट्स या फिर कॉमेडी करके? फिर कैसे? हाय। हाँ? मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं अपने घर में बोल दूं? नहीं, कुछ भी नहीं। आप कॉफी पियो। मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ। सच में बोलूं तो वो लड़की मासूम है यार। अरे भैया। हाँ वो छोड़ो, आगे क्या हुआ? पर ये माँ के पास कैसे बोलूं? वो सब कर देंगे, पर लड़की दिखने में कैसी है? एक मिनट, ये देखो। ये तो नहीं है ना? अरे तुम जानते हो उसे? वो मेरी बैच में थी। हाँ तब तो काम जल्दी हो जाएगा। कितना अच्छा होगा ना अगर सब लोग ये बात मान जाएं। तू बात करके सब कुछ ठीक कर दे, सब मान जाएंगे ना कैसे भी। इतने सुबह क्यों लेकर आए मुझे हैं? अरे क्या हुआ बोल तो सही। अरे मेरे भैया शादी करने वाले हैं। अरे तुझे क्यों फिक्र हो रही है? तो लड़की निधि है। है निधि? हमारी कॉलेज की। इस दुनिया में कितने लड़कियां हैं और भैया को वही लड़की मिली क्या अभी? उसमें तेरे भाई की कोई गलती नहीं है। जब तू कॉलेज में किसी को नहीं छोड़ता था ना, तब सोचना चाहिए था। कुछ भी कह मेरे दोस्त, तेरी किस्मत है। अपनी गर्लफ्रेंड को भाभी बुलाने वाला है तू। तेवर जी थोड़ा दही डालें क्या? जा बे, मैं भैया से बोलने वाला हूँ। अभी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बाद में पंगा तो नहीं होगा ना? ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त। पागल हो गया क्या? भाई क्या हुआ? तू मिलना है बोल रहा था। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है, हम थोड़ा उस साइड में जाके बात करें। तू काम तो बता। निधि बस मेरी बैचमेट नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी भैया। आप चिंता मत करो। तुम दोनों के बीच अभी कुछ है? प्यार करना बुरी बात थोड़ी है ना। तूने कितनी लड़कियों से प्यार किया है? अगर ऐसे देखेंगे तो किसी नन से ही शादी करनी पड़ेगी। भैया आप क्या पागल हो गए क्या? वो लड़की एक फ्रॉड है। ये मर्दों का स्टैंडर्ड है, चाहने वाली अगर लड़की ना मिले तो वो बुरी हो जाती है, खट्टे अंगूर की तरह, राइट? भैया वो नहीं चाहिए भैया, आपको उससे भी अच्छी लड़की मिलेगी।
तू बीच में मत आ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करने वाला हूँ। अगर तू मदद करना चाहता है तो कर, नहीं तो मैं दूसरा कुछ देखता हूँ। अगर मैं प्रूफ करता हूँ कि वो फ्रॉड है, फिर आप मुझ पे विश्वास करोगे ना? वो कैसे? अगर उसने बोल दिया कि वो मेरे से प्यार करती है। ऐसा वो कभी नहीं बोलेगी। अगर बोल दिया तो? ठीक है, अगर तू ऐसा कहता है, अगर तू विश्वास दिला सकता है। Are you sure? अभी ये जरूरी है क्या? तू पुरानी बातें भूल गया भाई? पिछली बातें वापस तो नहीं आ जाएंगी? अरे मुझसे रहा नहीं जा रहा यार। अरे यार। हाँ? अरे भाई क्या नजारा है, मेरी आंखें तरस रही हैं। क्या करें यार, हमारी टाइम भी ठीक नहीं है। ऊपर वाले, मेरी एक ही ख्वाहिश है, कैसे भी करके एक लड़की फंस जाए। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, क्या करें यार, तो हम सीधे भी निकल पाएंगे भाई। ये बस ट्रेलर है, मूवी तो अभी भी बाकी है, क्या करें। इधर तो तीन ही है मेरे दोस्त, क्या करें, बैठ जा बैठ जा। हेलो, क्या नाम है? बंसाली। हेलो हेलो, क्या नाम है? अभय वेल। अबे अभय वेल, अबे वेल। अरे देखना कैसे हलचल कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो कोई भी चलेगी। दोनों सुंदर है रे, मजा नहीं है। अरे देखो ना, वो लोग देख रहे हैं, पीछे जो बैठा है वो देख रहे हैं। अरे भाई फसी लगता है वो, देखो उन लोगों का मुंह कैसे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, मैं रंजन अब्राहम, आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक का प्रोफेसर। वेलकम टू फर्स्ट ईयर बीटेक। साइलेंस। शांतुलुषी। मनु सीवी। प्रेजेंट सर। अरुण के थॉमस। प्रेजेंट सर। अनु। प्रेजेंट सर। गोपिका। प्रेजेंट सर। जीतू। प्रेजेंट सर। रजीना। सर। अभय। अभय वेला है।
सिट Why you choose electronic science? You don't know? Don't you? Let us talk something about electronics. You know, after 3 years, you will realize that electronic is a vast subject. Phir bhi. Okay, let's wind up for now. We will meet tomorrow, okay? अरे चलो ना यार, बहुत देर हो गई आज, बस जल्दी मिलेगा कि नहीं? हाँ जरूर, चल देखते हैं उसके बाद कैंटीन चलेंगे। हाँ ठीक है, इसमें तो क्या बहुत ज्यादा। हाँ जी, अभी अभी कहाँ जाना है? हेलो, मैं अभय। हाय हाय, निधि। ओह, आपका नाम क्या? श्रुति। अच्छा सर, आपका घर कहाँ? एडप्पल्लू। अच्छा, मेरा घर भी वही है। तू तो त्रिशूर में रहता है। उसके बगल में तो है त्रिशूर। ठीक है। बकवास कर रहा हूँ। इधर आ बे। इधर आ बे। तेरी माँ की। ओके, मैं नहीं बात करूँगा। अरे चल सर, चलो चलो चलते हैं। चलो चलो, आपको पता है ना वो स्वामी शेखर का बेटा? अभी अभी न जाने वो क्या कर रहे हैं, ऊपर पढ़ रहे होंगे माँ। पढ़ाई? वो कंप्यूटर के सामने बैठा होगा, गेम खेल रहा होगा। आपको सांबा डालो? हाँ थोड़ा डालो जरा। हाँ बस, हाँ बैठो। सांबर में थोड़ा सा मिर्ची डाले तो अच्छा होता है ना? हाँ थोड़ा मिर्ची अच्छा रखता। हाँ माँ। हाँ वरुण, पहले हाथ मुंह धो के आओ, खाना खाने के बाद सब कुछ कर लेना। ठीक है। अरे तू क्यों ऐसे देख रहे हो, जल्दी तो खाओ। माँ तुम क्यों उसे बोल रही हो, उसका काम ही यही है। ये क्यों उदास उदास है? इसमें कुछ प्लान नहीं है, अच्छे होने का तय किया है। वो हाँ? क्यों मेरे पे ध्यान नहीं दे रही यार? मैं ट्राई करूं? अरे कॉलेज से निकाल देंगे तुझे। मैं देखता हूं तेरे में कितना दम है। चलो मेरे भाई, बताता हूँ। अरे कहां लेके जा रहे तू मेरे को? चल चल भाई, मैं बताता हूँ तुझे। अरे तू क्या करने वाला है? मैं उसको प्रपोज करने वाला हूँ। जरा तो और फील्डिंग कर लेते ना। देखते यार तू आ जा, मौत पिटने वाले। खाना खा लिया? ठीक है भाई, तू इधर रुक, मैं अभी आता हूँ। बाय बाय। जा रही हूँ। कैसी है? अरे क्या रे, अकेले अकेले पढ़ रहा है? हाँ हाँ तू जा जा। हाय। निधि पसंद है? नहीं मुझे नहीं, उसको, अंसारी को। वो ना उसका अजीब सा कैरेक्टर है। बचपन में ना 9th स्टैंडर्ड में इसने एक लड़की को प्रपोज किया और उसे ना बोला तो इसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया यार। हाँ मुझे पता है कि तुझे पसंद नहीं है,
पर अगर तू ना बोलेगी ना वो वायलेंट हो जाएगा यार। मुझे ये पता नहीं वो कुछ भी कर सकता है। निधि वो तुझे अटैक भी कर सकता है यार। मैं जाके उसको क्या बोलूं? निधि तू टेंशन मत ले, मैं उसको बोल दूंगा कि तुझे टाइम चाहिए, बाद में हम कुछ और प्लान करके उसको बोल देंगे। ओके तो फिर मैं चलता हूं। गाली तो नहीं दे दिया उसने? यस। अरे पड़ गई। एक्चुअली मैंने तुझे ही टारगेट बनाया है। क्या बा? हाँ चल चल, तुझे नहीं समझ में आएगा बाद में बताता हूँ। अच्छा? हेलो ऐसे तूने क्या बोल दिया उसको? कि तू उसको प्यार करता है। अरे वो नहीं भाई, तू थोड़ा एक्टिंग कर लेना प्लीज। अरे क्या यार, इसमें एक और चीज है। हाँ मैं तुझे फजीला का नंबर दिलाता हूँ, ठीक है? चल चल चल। ये तुझे नंबर मिला ना अभी? फजीला का ही नंबर है ना? अरे ए, वो आ गई। कहाँ? ये जाके बात कर। आपके नाम क्या है? पार्वती। पार्वती? पागल है क्या ये? अबे तुझे पूरे कॉलेज में ये मेरी मेहनत को फंसाने के लिए? तेरे को और कोई काम धंधा नहीं है? भाग यहाँ से, मैं तेरे से बात ही नहीं करूँगा। कल हम लाइब्रेरी जाके उस सब्जेक्ट्स की नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। हाँ ओके। अरे भाई यार। हाँ भाई यार। और क्या क्या? हाँ हो गया, सब हो गया। सर ने बोला है कि वो अच्छा है। ओके ओके, चलो चलते हैं फिल्म देखने चलते हैं। कल क्या कर रही हो? पिक्चर सुनते हैं। ए क्या रे, चल भैया से भैया से। एक्सक्यूज मी, अरे सुनिए तो सर, अरे सुनो सर, एक डाउट है। क्या रे? क्या रे? कुछ नहीं। अब मेरे सारे शक दूर करने होंगे। निधि जरा मुझे ये समझा दोगी? क्या करोगी? क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ नहीं नहीं। ओके मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की पर वो समझने के लिए तैयार नहीं है। पर लास्ट में मेरे को कुछ करना पड़ा। मैंने उससे बोल दिया कि तू मुझसे प्यार करती है। हाँ? नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे को चाहिए तो मैं एक्टिंग कर लूंगा उसका। तू भी मेरे साथ एक्टिंग कर लेगी ना? क्या है? ऐसे चलो ना।
कितने देर से वेट कर रहे हैं? साड़ी खरीदी थी मैंने, अच्छी कलेक्शन है यहाँ पे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चुप कर, पागल है ये लड़का। तू एक काम कर, तू यहाँ से कुछ लिया, चलो हम निकल। मैं भी चलता तुम्हारे साथ। छोड़ ना भाई। अरे चलो चलो चलो। ये सैटरडे संडेज होते क्यों हैं यार? अब क्या हो गया मेरे भाई अंसारी? हाँ? अगर हफ्ते के 7 दिन क्लास होते तो बोर। वो तेरे लिए मंडे टू फ्राइडे। हाँ? लाइफ के वो सुनहरे पल। क्या हुआ तुझे, बहुत रोमांटिक हो रहा है। हार, उसने मेरी नींद चुरा ली, मेरा भूख, मेरा प्यास। कौन है? निधि। लग रहा कि वो मेरी अपनी है। ये कौन, हमारी निधि? मैं सोचा मजाक कर रहा था उसके साथ। सच्ची? हाँ बे साले। हाँ, यहाँ पे बैठे हो क्या? देखा ना, जैसे मैंने बोला वैसे ही हुआ ना। हाँ, तुम्हें तो बहुत बुद्धि है ना। इसमें क्या डाउट है? तुम्हें क्या लगा उस अंसारी से डर के मैंने तुम्हें प्यार किया? हाँ, वो नंबर तो मुझे तभी समझ में आ गया था। देखो। पता था तो तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? मैं तुम्हें पसंद करती थी।
हम दोनों कितने टाइम से प्यार कर रहे हैं ना? उसमें क्या हुआ? अच्छा एक बात बताता हूँ, मेरे फ्रेंड का घर ना फ्री है, शादी के बाद तुम्हारे फ्रेंड के घर में जाएंगे। कुछ भी बोलती है तू। कहाँ से मिला ये ऐसा आदमी? कौन? वो बेवकूफ अंसारी। अच्छा वो? उसके कपड़े, उसकी भाषा, जहां लड़की देखो वहां मुंह देके खड़ा हो जाता है। ड्रेस के बारे में मत बोल, वो सब तो उसका एक आइडिया है। फिर उसका औकार, वो तो नेबर वाली आंटी की है, रेंट के लिए लेके आता है वो। चल हट। पिक्चर अच्छा था ना? चल हट। सच में ये सैटरडे संडे बहुत बोरिंग है यार। मंडे टू फ्राइडे हम कहीं पे भी मिल सकते हैं ना यार, घूम सकते हैं, कॉलेज भी बंक कर सकते हैं। ये अभी घर वालों को झूठ बोल के। वो बात सच है। अभी अगले हफ्ते मूवी के लिए जाएंगे। नहीं बस करो प्लीज एक। नहीं प्लीज जाना प्लीज। चल छोड़। जाबे अभी प्लीज प्लीज। इसको ऐसा स्वाइप करो और उसको ऐसा स्वाइप करो और सीधा तुम्हारे गालों में पप्पी। मेरा मतलब है स्माइली। मैं जब यहाँ पर हूँ तुम्हारी डाउट क्लियर करके जाऊंगा। चल रहे। अरे क्या हुआ तुझे? बताता हूँ तू आ। अरे क्या हुआ? अरे रुक ना, कोई आएगा तो मेरे को सिग्नल देना। ओके बात क्या है? मैं बताता हूँ, रुक जाना एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। ओके अरे मेरी जान, अभी तो टाइम मिला है। अरे छोड़ ना। अरे अरे पे क्या क्यों ऐसे कर रहे हो? सुनो मेरी बात, छोड़ ना मुझे, अभी कोई नहीं आएगा। अरे इसीलिए तो उसको भी नीचे खड़ा किया ना अंसारी। कोई नहीं। कॉलेज में ये सब करने आते हो तुम लोग? अरे क्या करके आया? शादी रो रहा हूँ। क्या चल रहा है पे? जाओ। क्या सर ये सीन देखने से देते हैं हमें? अरे तू टेंशन मत ले यार। अरे हो गया यार, जाने दे तू, छोड़ इसे। क्या बात है, एक ही बार में कितनों को संभालेगा? ए चल भाग यहाँ से। वैसे ही दिमाग का दही हुआ पड़े और तो यहाँ पे मजे लेने आ गया। जैसे तू सोच रही है वैसा।
निधि तेरे भाई की कंपनी में काम करती है ना, फिर यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो कंपनी चेंज कर दिया, अभी यहाँ काम करती है। भाई ने एड्रेस दिया था मुझे। जरूरी है क्या? चल ना। अरे कॉलेज की सारी बातें तो क्यों टेंशन ले रहा है, अभी तो 2 साल हो गए ना, अभी सब ठीक हो गया होगा। ओके सर। शरीन एक्सक्यूज मी। यस आई वुड लाइक टू मीट मिस निधि। वन सेकेंड। यू आर अरविंद, हर फ्रेंड। मैम, वन मिस्टर अरविंद इज हियर टू मीट यू। क्या बात है? ओके मैम। शी इज इन इंटरव्यू। प्लीज टेल हर इट्स अर्जेंट। मैम, ही सेज इट्स अर्जेंट। ओके मैम, प्लीज सिट हियर, शी विल बी हियर इन अ मिनट। ओके। हेलो अनीता, प्लीज चेक द लिस्ट। ओके। क्या बात है मेरे दोस्त। कौन है? मैं वहां पे। निधि प्लीज, मुझे पर्सनली थोड़ा बात करना था तुमसे। मुझे तुमसे कुछ बातें नहीं करनी, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। निधि ऐसे मत बोलो प्लीज। हाँ प्लीज, मैंने कहा था ना डोंट वेस्ट माय टाइम। किसी भी ऐरे गैरे को यहाँ पे बैठाने की जगह नहीं है, समझ गई? इडियट। वो ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। छोटा सा एक प्रॉब्लम है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। आप भी लड़ते होगे ना अपने बॉयफ्रेंड से। पर इसकी वजह से ब्रेकअप करना ठीक है क्या? उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्यों? अच्छा, ये इंटरव्यू कौन से पोस्ट के लिए? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? क्या है क्वालिफिकेशन? बीटेक आईटी। सीवी है क्या? वो अभी लेके आता हूँ। आजा भाई। मैं थक गया। एक्सक्यूज मी, ये लीजिए सीवी। प्लीज सिट, हम बुलाएंगे। ओके। ओके मिस्टर अंसारी। ये लोग यहाँ पे। अरे तुझे बुला रहे हैं? मैं यहाँ कोई सीवी नहीं दिया, फिर कैसे? अरे भाई हाँ? मैंने दे दिया। हाँ? जा ना, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, मेरे को टेंशन नहीं होगा ना। जा यार, मैं कोई प्रिपेयर नहीं हूँ। अंसारी। हाँ इधर है। अरे नहीं, आजा आजा, उठ उठ। अरे चल ना, चल चल चल। भक्त साले, उससे कहा समान में टने ने हो लाखो तारे टने ने हो। क्या क्या पूछा रे? इंट्रोड्यूस करने को कहा। मिस्टर अभय। हाँ, थियोरी में कुछ पूछा क्या? लाइब्रेरी फंक्शंस ऑफ सी प्लस प्लस। लाइब्रेरी फंक्शन ऑफ, उसका आंसर क्या है? है हाँ हाँ, छोड़। मैं आई कम इन सर। कम इन। थैंक यू सर। अभी विलायदम। यस सर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पास्ट बीटेक आईटी फ्रॉम होली ग्रेल इंजीनियरिंग कॉलेज माला। गुड। करेंटली वर्किंग एज अ ट्यूटर एट इन्फोमीडिया। ओह फाइन। मिस्टर अभय वेलायदम, हु इंस्पायर्ड यू द मोस्ट? बिल गेट्स। व्हाई सर? वी ऑल नो दैट इट इज अ फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड। ऑल हु लिव्स इन एन आईटी वर्ल्ड आर ग्रोइंग क्विकली। बिल गेट्स मेड ऑल दीस टेक्नोलॉजीज अवेलेबल फॉर कॉमन मैन ऑल्सो। दैट्स द रीजन आई रेस्पेक्ट हिम मोस्ट सर। ओह दैट्स गुड। थैंक यू सर। ओके अबे, विल लेट यू नो। हेलो। ओके मिस्टर विनीत, विल मीट ऑन नेक्स्ट मंडे।
थैंक यू सर। यस। हाँ भाई। अरे इंटरव्यू ठीक हो गया, कल ज्वाइन करना है। अरे मुझे भी कॉल आया था, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। भैया का वो निधि अभी मेरे पास। अरे दोस्त इस बार तो चौका ही लगा दिया। किसी भी तरह वरुण रह सकते हैं। ओ तो सच है, मगर अभी तो ऐसे नहीं है। हाँ मालूम ना जाने कैसे रहेगा कैसे बनेगा, सब कुछ ठीक हो जाता है ना। माँ शर्ट और पैंट है क्या? सब कुछ तेरे ही शेल्फ में होगा। हाँ मुझे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिला है, कल ज्वाइन करना पड़ेगा। हे भगवान। जो कुछ मैंने सुना वो सच है क्या? हे कंग्रेचुलेशंस अबे, तेरी नई नौकरी लगी है, इसी के लिए सोचा कुछ तुम्हारे लिए लेके आ जाऊं। ओह हे भगवान। अभी, अरे अभी तुझे ऑफिस नहीं जाना है क्या? देखो 9 बज गया है। ओफो ना जाने सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। अरे अभी तो लेट हो गया यार, पहले दिन। सर से पहले मिल लेना। आई कांट टॉलरेट दिस सर। यस पहले दिन ही इतने लेट। अभी सर मेरा स्टोमक अपसेट था सर। तुम दोनों को एक ही प्रॉब्लम है, डोंट रिपीट दिस। ओके ओके सर। अरे तेरे को कुछ और नहीं मिला क्या? तेरे लिए रखा हूं मैंने। इर्रेस्पॉन्सिबल फेलोज। Process X and Y. I have variable. I have a doubt. क्या? अभी जो आपने बोला वो मुझे समझ में नहीं आया, एक और बार बोलोगे? In this function, X and Y are the variables used to verify the equations and for calculating other variables accurately. तो अच्छा हाँ क्या हुआ उसी के बारे में? ओ तो ठीक है। देख रही है क्या? आ रही है क्या? I want to see you in my cabin now. Look, पहले हमारे बीच में कुछ रहा होगा, लेकिन अभी एक ही कंपनी में हम कोलीग्स हैं। मुझे तुमसे कोई गुस्सा नहीं है। लेट मी कम्प्लीट। इस ऑफिस में मैं एक टीम लीडर हूँ और तुम एक टीम मेंबर हो, इसलिए कुछ हुआ क्या? ये कोई न्यू जनरेशन मूवी है क्या? उसने तेरी ले ली ना? नहीं नहीं वो मान जाएगी, बस और थोड़ा टाइम चाहिए। मैं यहाँ बोर हो गया यार। क्यों क्या हुआ?
यहाँ तो काम करना ही पड़ेगा यार। काम नहीं करेगा तो? अरे काम करना ही तो मेन है, नहीं तो यहाँ से निकाल देंगे मेरे भाई। चावल पक गए क्या? हाँ, अभी बस पानी निकालना है। तब तो लेते हैं सेल्फी। नहीं यार, तू चुप रह जा। अरे क्यों शर्मा रहे हो तू? ठीक है। अरे यार, वो बहुत अच्छे मूड में आज। आज प्रपोज करेगा तो जरूर फंसेगी। क्या हो गया यार? पता नहीं, मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है। मैं उससे सच में प्यार करता हूँ यार। मैं उसको अच्छे से समझ पा रहा हूँ अभी। उसके जैसे एक लड़की मुझे इस जन्म में मिलने का चांस नहीं है। ये तो फिल्मों की तरह हो गया। अब भैया को क्या बोलोगे? मेरा भी वही टेंशन है। चल कोई बात नहीं, देखते हैं बाद में। मुझे आपसे एक बात करनी थी। क्या? भैया मैं निधि से प्यार करता हूँ, मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा। अबे तूने बोला ना कि वो एक फ्रॉड है, और अभी तू उससे प्यार करता है? अरे फ्रॉड तो तू है। मैं उसको अभी ठीक से समझ पाया हूँ। अगर आप ओके बोलते हो तो मैं उससे शादी कर लूंगा। मैं क्या पागल हूँ? मैं अगर उससे प्यार कर सकता हूँ तो उससे शादी भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरह फ्रॉड नहीं हूँ, समझा क्या? चल जा। तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ यार, ठीक बोला है, कुछ तो करना पड़ेगा। निधि के घर का नंबर मिला तुझे? वो सब मेरे पास है, पर कॉल करके क्या बोलेगा? आपकी बेटी वरुण नाम के लड़के के साथ प्यार करती है। वो भाग के शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये वरुण लड़कियों के साथ खिलवाड़ करने वाला एक शख्स है। निधि को भी वो जरूर बर्बाद करेगा, लेकिन निधि को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं अपनी बेटी को बचा सकते हैं। कैसी लगी? अरे पहले बात बोल के जल्दी फोन कर, तू अननेसेसरी पंगा कर रहा है यार तू। मैं देख लूंगा, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। जोसेफ भैया की दुकान में चलते हैं। हाँ कहीं से भी कॉल करते हैं, तू पहले गाड़ी ले। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। क्या हुआ भैया? बेटा तू उसके घर पे फोन किया था ना, ये मुझे पता है। अब क्या बोल रहे हो भैया? क्या बात कर रहा, मैं उससे शादी नहीं किया ना तो मेरा नाम बदल देना। देखते रहना मैं क्या करता हूँ। देखता हूँ तू क्या कर सकता है।
क्या हुआ अभी? निधि, उस दिन जो काम मैंने कॉलेज में किया वो बहुत गलत है। तब तुम मेरे लिए बस एक टाइम पास थी, पर यहाँ एक साथ काम करने के बाद मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझ लिया है। सच में निधि, आई रियली लव यू। क्यों ना हम पुरानी चीजें भूल जाएं? हो गया। तुम्हें क्या लगा मैंने तुमसे थोड़ी हंस के जो बातें किया मैं सब कुछ भूल गई? तुम्हारे लिए प्यार एक टाइम पास और मजाक रहा होगा, लेकिन तुमने कभी सोचा है अपना काम खत्म करके उस लड़कियों के बारे में उन पे क्या बीती होगी? वो तुमने जानना जरूरी नहीं समझा है ना निधि? कभी सोचा है तुमने मुझ पे क्या बीती होगी? पता है तुम्हें? से ही नफरत करने लगी, अपनी जिंदगी से मैं नफरत करने लगी। रात को नींद तक नहीं आती थी मुझे। धोखा खाने के निराशा में मैं सब लोगों से नफरत करने लगी, इस दुनिया से भी। फिर दोबारा नॉर्मल लाइफ में कैसे वापस आई ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन काफी परीक्षण वाले दिन थे वो। लेकिन मुझे तुमसे शुक्रिया अदा करना होगा। उस दिन के हादसे के बाद माँ बाप का प्यार क्या होता है ये मुझे पता चला। आज मैं जो जिंदगी जी रही हूँ वो सिर्फ उनके लिए ही है। ये कुछ नहीं है, तुम्हें तो और भी रोना है। फूट फूट के रोएगा तू अभी। तुम्हारी यादें, उन घावों का जलन महसूस करना तुम्हारी जिंदगी में अभी बाकी है। सर, मैंने अपना रेजिग्नेशन ऑफिस में दिया है सर। व्हाट? ये क्या बोल रहे हो अभी? सर, आई एम नॉट इन अ मूड टू टॉक। थैंक यू सर। अभय, ऐसा डिसीजन लेने के लिए तुम्हें कौन उकसाया है? तुम्हारा स्मार्टनेस कहां गया अभी? हे कम ऑन मैन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अबे, इस तरह की प्रॉब्लम से मैं भी गुजर चुका हूँ। बचपना छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हें बहुत ऊंचाई तक जाना है। सो तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एक बार ठीक से सोच लो। अरे तेरे लिए खाना रखूं? अभी बेटा। इसको क्या हो गया?
अभी क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं। वरुण ने मुझे सब कुछ बता दिया। तूने क्या किया वो ठीक है क्या? ठीक है बोलो। नहीं। देखो बेटा, ये प्यार और चाहत मजाक वाली बात तो नहीं है। जब किसी लड़की तुझ पर भरोसा करेगी ना, वही तुझे प्यार करेगी। उसको थोड़ा सा भी दुख नहीं पहुंचाने चाहिए, वो तेरी जिम्मेदारी है। अरे तुझ पर वो भरोसा किया है ना, वो भी टूट जाएगा। तू जो सोच रहे हो ना, दोनों मिलना, गले लगाना, कॉफी पीने का मतलब नहीं है प्यार। प्यार करने के लिए अच्छे दिल चाहिए। अगर अच्छा दिल मिला है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान सभी के जीवन में दुख लाते हैं, क्योंकि तभी हम अच्छे दिल को पहचान सकते हैं। वही सच्चे प्यार होते हैं। इसीलिए किसी की मन को दुख नहीं पहुंचाना। भैया आई एम सॉरी। छोड़ यार, मैंने बहुत सोचा, जो मैंने किया वही गलत है। आप दोनों को ही एक साथ रहना चाहिए। आप दोनों की शादी के लिए मैं बहुत खुश हूं। अब जाके तू मेरा भाई बना है। ये सब छोड़, घर वालों को मनाने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। मेरे पास एक रास्ता है। पहले दोनों फैमिलीज को डिनर पे बुलाना चाहिए। वैसे अगर दोनों फैमिलीज मिल जाएंगे तो इजी हो जाएगा। वो सही है। चल। ये कैसी लगी? हा? अच्छा है, स्टाइलिश भी है, शाहरुख जैसे लग रहे हो। मेरा मजाक उड़ा रहा है। अबे तू क्यों अभी तक रेडी नहीं हुआ? मैं पहुंच जाऊंगा, पहले आप जाओ। चल थैंक्स यार। अरे जल्दी तो आओ ना। ऑल द बेस्ट। लड़कियों से भी ज्यादा वक्त ले रहे हैं तैयार होने के लिए। आ रहा हूं। अरे बहुत टाइम हो गया, चलो। आ रहा हूं पापा। जल्दी पहुंच, चलो जल्दी चलो। हां जल्दी चलो। हां प्लीज बैठो जल्दी। चलो चलो, समय तो निकल रहे है ना। बेटा पेट्रोल है ना गाड़ी में? अरे वो सब है पापा। हाँ उसके बारे में तो आप ही देख रहे हैं ना।
अरे इन सब की आप चिंता मत करें, वो होटल में हम अरेंज कर लेंगे। You are right. अरे कोई बात नहीं। अरे और नहीं तो क्या। हाँ आओ अभी, ये है मेरा छोटा बेटा भाई। हाय। हेलो, लेट हो गए? थोड़ा काम था इसीलिए। बाकी सब कहाँ है? सब क्या हो रहा है? हाँ सुधाकर बोलो क्या हुआ। हाँ वो बोल ठीक है। हाय अभी तुम कब आए? हम दोनों बैचमेट्स हैं माँ। ठीक है, अभी को क्या ऑर्डर करूँ मैं? कुछ नहीं चाहिए। हाँ अब क्या प्रोग्राम है? तो आप लोग देख लीजिए हमें किस दिन आना है, आप बोल दीजिए। लड़की नहीं देखने से भी चलेगा, पर किस दिन आना है आप बोल दीजिए। जी बिल्कुल, हम सोच के आपको फोन कर देंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। तो हम निकले? हाँ ठीक है चलो। श्रुति चलो। भैया क्या हुआ? यहाँ क्या चल रहा है? निधि का क्या हुआ? ये श्रुति कहाँ से आ गई? यार मैं श्रुति से प्यार करता था। भैया आपने तो निधि बोला था ना? तुम दोनों की लव स्टोरी श्रुति से मुझे पता चला, श्रुति ने बताया था मुझे। तेरे बारे में पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। जब मैं ऑफिस में आया तो देखा कि श्रुति मेरे सामने चलते हुए आ रही। मैं उससे बहुत प्यार करता था। कुछ ही दिनों में हम बहुत करीब आ गए। तभी श्रुति ने मुझे बताया कि तुम दोनों बैचमेट थे। तुम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम थी ये बात मुझे श्रुति ने ही बताया था। निधि की हालत सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। ये सब मैंने तेरे दिल में उसके लिए प्यार जगाने के लिए किया, इसीलिए उसका फोटो अपने मोबाइल पर रख लिया था कि तू देख के उसे। तू ही ने उसके पीछे पहले गया था। मेरे भाई को एक बहुत बड़ी गलती से बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई गलती की तो प्लीज मुझे माफ कर दो भैया। अभी प्लीज भैया। कोई नहीं भाई, जाया निधि। अगर निधि तुझे इतना पसंद है तो जाके बोलना उसे। वो नहीं मानेगी भैया। तू उससे बात करके तो देख, जब कोई अपने दिल से बात करेगा तो कोई भी लड़की समझ जाएगी। तू जाके बात कर उससे पहले। तू जा उससे बात कर। कभी भी तू सोचा है क्या तुझे प्यार करने वाले लड़कियों को? पुराने यादें जरूर एक दिन तुझे सब कुछ सताएगा। तू से बात करके तो देख। एक न एक दिन भगवान हमको समझाएगा, तब भी हम सच्चे प्यार को समझ सकते हैं। तू कैसे बता सकता कि वो तुझसे प्यार नहीं कर सकता? मॉर्निंग लिसा, चेक द डिटेल्स। ओके ओके मैम। हाँ ये जरा देखो ठीक है क्या? ओके निधि। निधि मुझे तुमसे एक बात करना है। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत की है और तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। पर जो बात मुझे बोलना है वो सुनने के बाद तुम तय कर लो। हमने सारी बातें खत्म की है ना निधि। मुझे अभी समझ में आया कि लव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो यहाँ पे ऐसे आया था, पर यहाँ आने के बाद मुझे समझ में आया कि तुम कौन हो। तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। अब मैं हूं जो ख्वाब देख रहा हूं तुम्हारे साथ जीने के लिए। आई लव यू निधि। मुझे एक लास्ट चांस दे दो ना प्लीज।
सॉरी। निधि, एनी प्रॉब्लम? ओके। अभय, इसको घर पे ड्रॉप कर दो। मैं आपको फोन करता हूँ, मैं अभी उसे ढूंढ ही रहा हूँ।
कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? तुझे जानना है? अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया मैंने अपनी बेटी को, उसकी हालत देखनी चाहिए। बिना माँ की बरी हुई है वो, एक चीज की भी कमी मैंने नहीं रखा। उसको आज तुमने मौत के मुंह में ढकेल दिया है। मेरी बेटी की पुरानी हंसी खुशी को लौटा सकता है तुम? बोल बोल साले, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ए, मेरे बॉस के ऊपर हाथ उठाए ना, सारा पूरा प्यार व्यार सब उतार दूंगा ऊपर से नीचे, समझा? आप लोगों को क्या चाहिए बोलो? मुझे कुछ पता नहीं है ना। अरे मुझे छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? गीतू, जिस नंबर को आप संपर्क कर रहे हैं वो स्विच ऑफ है। We'll be right back.
सॉरी, हम बचा नहीं सकते। तुझे क्या हो गया? क्या हो गया तुझे? डॉक्टर कुछ करो, डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज कुछ करो। क्या हुआ डॉक्टर? She's no more। नहीं डॉक्टर, मैं बुलाऊंगा, वो उठेगी। उठ जाओ, चलो, मैं बुला रहा ना। डॉक्टर आके खोलो। गीतू आके खोलो। गीतू गीतू आके खोलो। गीतू अरे ये तो अरे अभी है, ये तो अभी है इधर। अभी चलो यार अभी देखते हैं। अभी 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 तुम कहाँ थे इतने?